Hello everyone and very warm welcome to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about BCIL and BITP exam syllabus analysis with important topics. फ्रेंड्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये जानते हैं कि जो BCIL है वो एक ऐसा एग्जाम है जिस एग्जाम को देने के बाद आप लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिलती है कि आप लोगों को कैसे इंडस्ट्री में जाके वर्क करना है और फ्रेंड्स इस ट्रेनिंग को करने के बाद आप लोगों को बहुत सारी बायोफार्मा इंडस्ट्री में बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उस एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को पूछे जाते हैं या क्या इस एग्जाम का सिलेबस है, इसी पे आज हम लोग जो हैं इन डिटेल अपनी इस वीडियो में बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है वो है हमारा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स आप लोग इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करें और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की आप लोग जब स्टडी करेंगे तो वहां पे आप लोग जो हैं जितने भी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जितने भी प्रोडक्ट्स जो हैं हम लोग बनाते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को वहां पे अच्छे से फोकस बनाना है। और फ्रेंड्स कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट होता है फर्दर उसकी सिंथेसिस के लिए, फर्दर उसके प्रोडक्शन के लिए, इस पॉइंट पे आप लोगों को ज्यादा वहां पे फोकस बनाना है। मीन्स की कौन सी स्ट्रेन को हम लोग कौन से बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए यूज करते हैं, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। इसको आप लोगों को अच्छे से वहां पे क्लियर करना है और उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए इन द डोमेन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ना है। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस जो आते हैं आप लोगों के BCIL एग्जाम में या BITP एग्जाम में, वो सभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वहां पे आप लोगों को कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं पूछा जाता। और फ्रेंड्स वहां पे आप लोगों को जो MCQ क्वेश्चंस वहां पे आप लोगों को दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों को इस पॉइंट पे फोकस बनाना है जो मैंने अभी आप लोगों के साथ में प्रीवियसली डिस्कस किया। अब बात करेंगे इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी में आप लोगों को क्या करना है, इम्यूनोलॉजी में जो बेसिक्स हैं कि जैसे कि इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आप लोगों की इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं उनके बारे में आप लोगों को वहां पे आप लोगों को देखना है। आप लोगों को जो है जैसे कि हमारा जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को वहां पे देखना है। आप लोगों को एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में वहां पे पढ़ना है। इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को वहां पे बेसिक जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहां पे क्लियर होने चाहिए। अब बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों को वायरस के बारे में वहां पे पढ़ना है, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में वहां पे आइडिया होना चाहिए। आप लोगों को फंगस के बारे में आइडिया होना चाहिए, एल्गी के बारे में आइडिया होना चाहिए, प्रोटोजोआ के बारे में आप लोगों को वहां पे आइडिया होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स जो माइक्रोबायोलॉजी में इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग BCIL या BITP एग्जाम देने का सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं जैसे ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। वायरस के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो वहां पे कोई बात नहीं, बट अगर आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में नहीं पता है तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए फिर प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, वहां पे बैक्टीरिया के जो वहां पे कॉम्पोनेंट है जैसे कि सेल वॉल है आप लोगों का, वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जितने भी बैक्टीरिया के अंदर जैसे कि बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करेंगे जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स में आप लोगों को जो सिंपल जेनेटिक्स है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को जो है वहां पे आप लोगों को जो है प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता होना चाहिए।
आप लोगों को लिपिड के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक्स आप लोगों को इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। अब बात करेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, आप लोगों को पढ़ना है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, आप लोगों को ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ज्यादा डीप में आप लोगों को नहीं जाना है। इसमें आप लोगों को प्लांट हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए और आप लोगों को बेसिक्स टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है प्लांट से रिलेटेड वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोगों को एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा डीप में नहीं जाना है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी में सेल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कितने टाइप की सेल्स होती है, और मोलिकुलर बायोलॉजी में आप लोगों को जो है यहाँ पे रिप्लीकेशन, आप लोगों को रिप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और आप लोगों का जो रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के बारे में आप लोगों को जनरल आइडिया वहां पे होना जरूरी है। और जो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वो भले ही रिप्लिकेशन के एंजाइम हो, वो भले ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के एंजाइम हो, या वो भले ही ट्रांसलेशन के वहां पे जो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उन सभी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करेंगे आईपीआर की, आईपीआर जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से भी कई बार जो है कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इतने क्वेश्चन यहाँ से इस एग्जाम में नहीं आते। अब बात करेंगे आप लोगों को जो है एनालिटिकल टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को लाइक जैसे कि एचपीएलसी के बारे में पता होना चाहिए, एसडीएस पेज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को जो है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी डोमेन में जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनालिटिकल टेक्निक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट एक तरह से टॉपिक है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं पर ईयर। बायोइन्फॉर्मेटिक्स से इतने क्वेश्चंस यहां पे नहीं पूछे जाते, इसके बारे में आप लोगों को पता होना बट वहां पे चाहिए। और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये सजेशन है, जब आप लोग जो है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करें उसी टाइम पे आप लोग बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को कवर वहां पे करें। ये तीनों के तीनों जो आप लोगों के यहाँ पे टॉपिक्स है, जैसे कि बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का आप लोगों का एक टॉपिक है सब्जेक्ट है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी का एक आप लोगों का टॉपिक है सब्जेक्ट है, ये बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को आप लोग इकट्ठा पढ़े तो आप लोगों का कम टाइम वहां पे वेस्ट होगा और आप लोग जो है कम टाइम में ज्यादा नॉलेज को वहां पे गेन कर पाएंगे। ऐसे ही आप लोग जो है जब माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करें उसी टाइम पे आप लोग इम्यूनोलॉजी की स्टडी करें, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक्स हैं या जो दो सब्जेक्ट हैं ये एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, तो आप लोगों को अच्छे से वहां पे समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स जब आप लोग एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करें उसी टाइम पे आप लोग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी करें तो आप लोगों के लिए वहां पे बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे कर सकते हैं और इस तरह से आप लोग जो है इस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। वहां पे भी आप लोग अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो सभी अकाउंट्स है, इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स है मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा दूंगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।